हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट वाले प्लाजो के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो इसके लिए मैंने सवा दो मीटर रेऑन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की वेथ है फोर्टी फोर इंचज़ और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सबसे तो पहले मैं आपको कागज़ में बता देती हूँ कि मैं कपड़ा कैसे फोल्ड करना है तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि सवा दो मीटर कपड़ा और ये कपड़े का अर्ज है यानी कि फोर्टी फोर इंच का अब हमें इस कपड़े को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर से फोल्ड कर दिया अब इसको हमें एक बार वर्थ वाइज और फोल्ड कर देना है सेंटर से बिल्कुल तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया अब यहाँ पे कपड़ा जो होगा हमारा चार फोल्ड में रखा हुआ होगा और सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी फ़ोल्ड कर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा हमारा चार फोल्ड में रखा हुआ है अब सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ पे ओपन वाली साइड से हमें आधा इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस निशान को स्ट्रेट कर देना है तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है अब इस लाइन से नीचे को हमें प्लाज़ो की लेंथ के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपके प्लाज़ो की रेडी लेंथ है आप उसमें से बेल्ट का मेजरमेंट माइनस कर दीजिए जैसे कि मेरे मेजरमेंट पे प्लाजो की लेंथ है थर्टी सिक्स इंच और उसमें से डेढ़ इंच की मैं बेल्ट रख रही हूँ तो डेढ़ इंच माइनस करूंगी तो आया थर्टी फोर पॉइंट फाइव इंच और फिर उसमें एक इंच का मार्जिन जो नीचे से दबने में आएगा उसके लिए तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंच पे मैंने निशान लगाया और इस लाइन को भी मैं स्ट्रेट कर दूंगी। तो मैंने इस लाइन को भी स्ट्रेट कर दिया है अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें साढ़े चार इंच पे एक निशान लगाना है सभी मेजरमेंट के लिए साढ़े चार इंच पे हम निशान लगाएंगे अब इस पॉइंट से अंदर को हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको चार से डिवाइड करें और उसमें तीन इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करें जैसे कि मेरे मेजरमेंट पे कमर है 28 इंच की उसको चार से डिवाइड किया तो आया सात इंच और फिर उस पर तीन इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया दस इंच तो यहाँ पर दस इंच पे मैंने निशान लगा लिया है अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है तो जितना भी आपका टोटल आसन है आप उसमें से बेल्ट को माइनस कर दीजिए जैसे कि मेरे मेजरमेंट में आसन है ग्यारह इंच का उसमें से डेढ़ इंच की मैं बेल्ट माइनस कर रही हूँ तो आया नाइन इंच और ये आसन मैंने कैसे कैलकुलेट किया है इसका फार्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैंने आसन के लिए निशान लगा लिया अब इस पॉइंट को ऊपर कमर वाले हिस्से पे स्ट्रेट लाइन से मैं ज्वाइन कर देना है अब यहाँ से बाहर को क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे चार इंच पे निशान लगा रही हूँ लार्ज साइज तक आप इसमें चार इंच पे निशान लगा सकते हैं तो चार इंच पे निशान लगा के इसको हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है अब यहाँ पर हमें क्रॉच कर्व बना लेना है तो ये क्रॉच कर्व के लिए मैंने निशान लगा लिया है अब इस पॉइंट को यहाँ बॉटम वाले हिस्से पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया अब ये जो ये वाला पॉइंट था साढ़े चार इंच वाला इसको भी हमें नीचे बॉटम में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है अब ये बॉटम वाला हिस्सा जो है यहाँ पे हमें हल्का सा घुमाव दे देना है और अब इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है बॉटम वाले हिस्से में कोई मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि मार्जिन हमने ऑलरेडी ले लिया था तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमें क्या करना है इसमें से जो ऊपर के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे चार हैं तो इसके ऊपर के दो पार्ट्स हम हटा देंगे इसको हमें बैक वाला पार्ट बनाऊंगी और ये फ्रंट वाला पार्ट बनेगा तो फ्रंट वाले पार्ट के आसन को हमें एक इंच का इस तरह से ट्रिम कर लेना है थोड़ा सा क्योंकि फ्रंट का आसन थोड़ा कम होता है बैक का ज़्यादा होता है तो मैंने यहाँ पर एक इंच का आसन इस तरह से ट्रिम कर लिया है अब यहाँ पर ये कपड़े को इसी तरह से रहने देंगे दोनों की सीधी तरफ दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए अब हम इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरह से जो दूसरा बैक वाला पार्ट होगा इसके आसन में भी हम सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके आसन में सिलाई लगा ली है सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट के आसन में भी मैंने सिलाई लगा ली है अब इसको मैं ओपन करके रख रही हूँ अब यहाँ पर इसके कमर में हमें प्लीट्स डालनी है तो ये देखिए आसन बीच में आ गया है तो अब मैं इसके दोनों तरफ पे यहाँ पे प्लीट्स डालूँगी तो प्लीट्स किस हिसाब से डालनी है मैं आपको बताती हूँ तो देखिए जितनी भी आपकी कमर है आप उसको चार से डिवाइड करें और जितना भी आएगा मेजरमेंट उतना हमारे ये सेंटर का जो आसन है इसकी एक तरफ पे होना चाहिए और सेम उतना ही दूसरी तरफ पे भी होना चाहिए जैसे कि मेरी कमर है अट्ठाईस इंच की तो उसको चार से डिवाइड किया तो आया सात इंच और यहाँ पर देखिए अभी मेजरमेंट मैं एक साइड का ले रही हूँ तो ये ग्यारह इंच लगभग आ रहा है तो यहाँ पर मुझे सात इंच का इसको बनाना है और बाकी हिस्से की प्लीट डाल देनी है और साइड में थोड़ा सा मार्जिन हमारा सिलाई में दबने के लिए आना चाहिए तो मैं यहाँ पर इस तरह से आसन की तरफ को मुंह करते हुए एक बड़ी सी प्लीट डाल दे रही हूँ तो यहाँ पे मैंने प्लीट बना लिया मैं इसको मेजर करके देख लेती हूँ देखिए सात इंच आना चाहिए आधा इंच का मार्जिन आएगा जो सिलाई में दबेगा तो ये बिल्कुल फिट हो रहा है अब यहाँ पे इसको पिन से सिक्योर कर दिया मैंने सेम इसी तरह से इसकी दूसरी तरफ पे भी हमें प्लीट डाल देनी है जितना गैप दूसरी तरफ पर है इतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए तो इसको भी मेजर करके देख लेते हैं देखिए साढ़े सात इंच आ रहा है तो यहाँ पर भी मैं इसको पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ अब हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है प्लीट्स को देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और प्लीट्स यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी हैं सेम इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी हमें ऐसे ही प्लीट और इतने ही मेजरमेंट की प्लीट डालनी है ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है और इसके ऊपर अब हमें अपना बैक वाला पार्ट भी रख लेना है और इसको कोने से कोना मिलाते हुए इस तरह से हम रखेंगे और देखिए बैक वाले पार्ट में भी मैंने सेम इसी तरह से प्लीट्स डाली हुई हैं और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुकरते हुए होनी चाहिए अब हमें इसकी एक साइड में सिलाई लगानी है तो यहाँ पर देखिए एक साइड में सिर्फ मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इसकी जो ये दूसरी वाली साइड होगी इसको हमें ओपन ही रहने देना है तो मैं इसकी एक तरफ पे सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है एक तरफ पर दूसरी साइड इसकी यहाँ पर ओपन है और यहाँ ओपन वाली साइड में हम ज़िप लगाएंगे तो ये ज़िप कैसा लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ तो देखिए ये मेरे पैंट का साइड का हिस्सा है और ये ऊपर कमर का हिस्सा है तो यहाँ साइड वाले हिस्से में हमें ज़िप लगानी है ये सीधी तरफ है कपड़े की और ये मैंने यहाँ पे कंसील ज़िप ली है ये जिप की उल्टी तरफ है और ये ज़िप की ये, ये देखिए सीधी तरफ है तो मैं ज़िप को इस तरह से ओपन करके यहाँ पर ज़िप को पलट के रख रही हूँ ऐसे रखना है कि जैसे कपड़े की सीधी तरफ और ज़िप की सीधी तरफ दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई होनी चाहिए इस तरह से देखिए और रॉन्ग साइड जिप के ऊपर होनी चाहिए और सीधी तरफ नीचे को होनी चाहिए अब यहाँ पर हमें कोने से कोना मिलाते हुए जिप को इस तरह से रखना है और यहाँ पर थोड़ी सी आधा इंच की दूरी पे यहाँ पर हमें कोने कोने पे इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है तो जहाँ तक भी आपको जिप लगानी है वहाँ तक आप इसमें सिलाई लगा लें तो देखिए मैंने यहाँ तक इसमें ज़िप में सिलाई लगा दी है एक साइड में अब दूसरी सिलाई हमें ये जो जिप के टीथ होते हैं ना इससे बिल्कुल टच करते हुए टीथ को हम इस तरह से बाहर को टर्न करेंगे जिप के कोने को और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ये देखिए इस तरह से बाहर को हमने खींचा है यहाँ पर और फिर इसमें सिलाई लगाते गए तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई लगा ली है और पीछे से इस तरह से देखिएगा अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाली तरफ भी सिलाई लगानी है तो ये दूसरी साइड वाला पार्ट मैंने लिया ये कमर का हिस्सा है और ये देखिए ये साइड वाला हिस्सा है तो साइड वाले हिस्से में हम जिप लगाएंगे तो सेम इसी तरह से ज़िप को मैं यहाँ पर पलट के रख रही हूँ दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए रखा हुआ है अब यहाँ पर हमें कोने पे पहले एक सिलाई लगानी है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाई थी तो यहाँ पर सिलाई लगाई अब बाकी थोड़ा सा ये टीच जो होते हैं जिप के इसको बाहर को टर्न करते हुए हम यहाँ पर बाकी हिस्से में भी सिलाई लगा लेंगे तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और ये ज़िप यहाँ पर बन के हमारी तैयार हो गई है और आप इसको यहाँ पर इस तरह से बंद करेंगे तो आपके ज़िप में यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी तो यहाँ पर ज़िप लग गई है जो ये ज़िप के नीचे वाली तरफ है जो नीचे की तरफ आपको ओपन दिखेगी इसको हमें सिलाई लगानी है तो इसके लिए पहले मैं पैंट को उल्टी तरफ को टर्न कर देती हूँ तो देखिए रॉन्ग साइड को टर्न कर दिया है अब यहाँ साइड को हमें इस तरह से मिलाना है और जिप को भी सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और देखिए जहाँ तक आपको सिलाई दिख रही है यहाँ से अब हम इसमें सिलना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से हम सिलेंगे इसको मिलाते हुए और नीचे बॉटम तक जहाँ तक भी आपका ओपन साइड है उसमें आप सिलाई लगा लें देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और देखिए सीधी तरफ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी साइड जॉइन हो चुकी है और ये हमारी जिप भी यहाँ पर लग गई है अब मैं इसकी बेल्ट बनाऊँगी तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है लंबी सी पट्टी ली हुई है डबल फोल्ड में मैंने इसकी पट्टी ली हुई है और इसकी जो वेथ है वो मैंने दो इंच की रखी हुई है डबल फोल्ड में दो इंच की यानी कि टोटल चार इंच और इसकी लंबाई हमारी ये जो पैंट है इसके कमर से दो इंच ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि साइड में हमारा हुक आएगा तो उसके लिए दो इंच मैंने ज़्यादा पट्टी ली हुई है लंबाई में अब इसमें आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पे इसकी कमर के जितना यानी कि जितनी बेल्ट की पट्टी ली है ना उतना ही लंबा मैं यहाँ पे बुकरम का पीस ले रही हूँ बुकरम की जो विर्थ है वो डेढ़ इंच की है और इसको हमें ये जो कपड़ा है इसकी रॉन्ग साइड पर और सिर्फ एक पार्ट में इस तरह से यहाँ पर रखते हुए चिपकाना है और देखिए ऊपर से जो फोल्डेड वाली साइड आएगी यहाँ से मिलाते हुए हम इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर इसमें हम इसमें प्रेस करके इसको चिपका देंगे तो मैं आपको इसको चिपका के दिखा देती हूँ तो देखिए मैंने इसको चिपका दिया है और अब हमें इसकी जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पर सिलाई लगानी है दोनों तरफ पे तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ तो इस तरह से यहाँ पर हमें बुकरम से टच करते हुए दोनों कोनों पे इसमें हम सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है अब इस पट्टी को हमें यहाँ पर सीधी तरफ को पलट देना है तो ये पट्टी मैंने पलट दिया अब इसको मैं इसके कमर में अटैच करना बता देती हूँ आपको तो देखिए ये कमर वाला हिस्सा है तो हमारी जो प्लाजो है उसकी रॉन्ग साइड देखिए प्लाज़ो की उल्टी तरफ में हमें बेल्ट का वो वाला हिस्सा अटैच करना है जिसमें बुकरम नहीं है तो देखिए ये रॉन्ग साइड है और बेल्ट का ये जो जिसमें बुकरम नहीं है वो वाला हिस्सा मैं यहाँ पर ले रही हूँ और इसकी सीधी तरफ यहाँ पर प्लाज़ो की रॉन्ग साइड की ओर को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर पूरी कमर में आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे सिलाई लगा ली है अब ये जो मार्जिन है आधा इंच का इसको अंदर की तरफ पलटना है और बेल्ट को सीधी तरफ को टर्न करते हुए हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देनी है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बेल्ट वाला हिस्सा है इसके आधा इंच के मार्जिन के कपड़े को हमें अंदर को फोल्ड करना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है तो देखिए एक तरफ से हमारा कपड़ा दो इंच का बाहर को बढ़ गया है और दूसरी तरफ से कोई कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा बढ़ा है तो यहाँ पर अब हम जिप को बंद करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से ओवरलैप यानी कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसके जो यहाँ पर है यहाँ पर आप हुक और आई बना लीजिए जिससे यहाँ पर ये हिस्सा से बंद हो जाएगी कमर और अब देखिए यहाँ पर बेल्ट लग गई है अब जो हमारे प्लाजो का अंदर वाला हिस्सा है जो इनर लेग्स हैं यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और फिर ये जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर देना है और ये प्लाजो बन हमारी तैयार हो गई है